Welcome to another exciting episode of Farming Engineer, and today we'll be doing a video on Sabudana and how it's made. और इसके बारे में और थोड़ी बहुत बातें करेंगे. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो गो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. सो इंडिया में साबूदाना से बनी हुई खिचड़ी, खीर या फिर वड़ा, जो साबूदाना का वड़ा होता है, वो किसी ने अगर नहीं खाया हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. मोस्टली सब लोग ने खाया ही होगा, सब लोग के घर में बनता है. अगर आप उपवास नहीं करते फिर भी मम्मी लोग तो बना ही लेते हैं और हम लोग के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बन जाता है खाने के लिए. तो साबूदाना और हमारा कुछ रिलेशन जन्मों जन्मों का है ऐसा व्यतीत होता है, बट ऐसे भी नहीं है. हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, इसके फैक्ट्स के बारे में. तो साबूदाना का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम आए हैं यहाँ पे स्वीट पोटैटो के फार्म में. तो सबसे पहले आपको स्वीट पोटैटो दिखा देते हैं यहाँ पे, ये देखिए. तो ये स्वीट पोटैटो का फार्म है और इस तरह से अभी छोटे छोटे हैं, मगर आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं. यहाँ पे ये देखो, ये बड़ा लगा हुआ है. वेट होल्ड कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नीचे कमेंट करने लगेंगे कि स्वीट पोटैटो से साबूदाना नहीं बनता. और वही बताने के लिए आज हम यहाँ पे इस फार्म में आए हैं कि स्वीट पोटैटो से साबूदाना नहीं बनता. मगर एक चीज़ ये कॉमन है कि स्वीट पोटैटो और जो साबूदाना का जो प्लांट है, जिसे टोपियाको प्लांट या फिर कसावा रूट्स बोलते हैं, वो दिखने में बहुत ही सिमिलर होता है, मगर उनका बहुत दूर का रिश्ता है. वो शायद उसका दूर का भाई है, कोई अफ्रीकन वाला. साबूदाना आप लोग को जान के हैरानी होगी कि ये हमारा और साबूदाना का कोई जन्मों जन्मों का अंतर नहीं है. ये 1943 में साबूदाना का जो पहला प्लांट है वो इंडिया में लगा और इंडिया में प्रोडक्शन चालू हुआ. इसका अगर कल्टीवेशन आप देखोगे तो त्रावणकोर के जो राजा है राम वर्मा, उन्होंने ये लाया इंडिया में. एक्चुअली हुआ ऐसा था कि केरल के आसपास वहाँ पे कुछ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप्स नहीं आ रहे थे. तो उन्हें अपनी प्रजा के लिए कुछ नया क्रॉप चाहिए था और अंग्रेज़ उस समय तक भारत में आ चुके थे. तो वहाँ पे उन्होंने, अंग्रेज़ों के कुछ जनरल हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अफ्रीका का जो प्लांट है वो प्लांट अपने यहाँ पे लगा के देखिए, उसका बहुत अच्छा यील्ड है, क्रॉप है, हार्श कंडीशन में भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है. तो वहाँ पे फिर उसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया त्रावणकोर में 1885 के आसपास. उन्होंने ही उनकी कुकिंग के बारे में या कौन कौन से डिशेस बना सकते हैं उसके बारे में उसका स्प्रेडिंग किया. तो यहाँ से कसावा रूट्स का कल्टीवेशन तो इंडिया में चालू हुआ, मगर साबूदाना बनने में भी अभी टाइम था. क्योंकि साबूदाना अगर आप देखोगे तो ये जो पर्ल्स हम लोग खाते हैं, ये पर्ल्स बनते हैं इसके स्टार्च से, और स्टार्च से और भी बहुत सी चीज़ों का स्टार्च बनाया जाता है, जैसे कि पोटैटो स्टार्च, कॉर्न स्टार्च या पाम के ट्री का भी स्टार्च होता है. और स्टार्च से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादातर जाना जाता था चाइना और थाईलैंड का जो एरिया है वहाँ पर. तो बॉल्स का कंसेप्ट आया चाइना से. चाइना में स्टार्च का बहुत अलग अलग यूज़ किया जाता था, जो ऑलमोस्ट 3000 साल पुराना उसका हिस्ट्री ट्रेस होता है कि वहाँ से वो लोग स्टार्च के बहुत अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करते थे. बट अब जैसे कि जैसे राइस का इन्वेंशन हुआ या राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे इस चीज़ को भुला दिया गया. तो राइस से मुझे याद आया कि बारिश का मौसम आ गया है और धान लगाने की खेती चालू की गई है. तो राइस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि राइस कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो वाइट उसको पॉलिश कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके ऊपर अपन एक वीडियो बनाएंगे अलग से. तो अगर आपको राइस के बारे में जानना है, वैसे तो बहुत कॉमन है, सब लोग के घर में होता है, मगर आपको नहीं पता कि राइस की खेती कैसे होती है, तो एक शॉर्ट सा वीडियो बना सकते हैं. तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताना, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे. तो अब आ जाते हैं हमारे साबूदाना के ऊपर. स्टार्च से गोलियाँ बनाई चाइना ने, वो कंसेप्ट लेके आया यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में टोपियाको का स्टार्च या कसावा रूट का स्टार्च तो बनता था, मगर उससे गोली बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं था. तो 1943 में फर्स्ट प्लांट यहाँ पे लगाया गया. अब 1943 के बाद आज 2021 में अगर आप देखते हो तो साबूदाना का इतना इन्फ्यूज़ हो चुका है हमारे खाने के अंदर कि अगर किसी को आप बताओगे भी ना कि ये कुछ 70-75 साल पुराना है तो कोई विश्वास नहीं करेगा. तो इतना स्प्रेडिंग इसका कैसे हुआ, इसकी मार्केटिंग इतनी कैसे हुई, उसका मुझे कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ हिस्ट्री में. अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बताना, मगर बहुत बढ़िया मार्केटिंग हुई है. अगर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे तो पूर्वजों में उपवास का तो बहुत पहले से ही चल रहा है, जब से भगवान के बारे में कथाएँ वगैरह सुनाई जाती हैं तो उपवास तो होता है.
उपवास है, मगर उपवास में खाने जाने वाला आलू और साबूदाना ये दोनों आए अंग्रेज़ों के आने के बाद। उससे पहले हम कंदमूल की चीज़ें खाते थे, जैसे मैंने आपको स्वीट पोटैटो दिखाया, कंदमूल खाया जाता था। इवन राम जी जब वनवास में गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने कंदमूल खा के 14 साल गुजारे थे। तो वो कुछ हिस्ट्री है, वो डेटेड है, वो हमारे पास एंशिएंट है, बट ये चीज़ें नई हैं और बहुत अच्छी से पौष्टिक है, सात्विक है, कर सकते हो। तो ये था कुछ मोटा मोटा साबूदाने के बारे में हिस्ट्री और ब्रीफ। अब हम आ जाते हैं इसकी कल्टीवेशन और आगे फिर इसके जो पर्ल्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ हाउ डज इट ग्रो। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पे जिसका नाम है हाउ डज इट ग्रो। और हाउ डज इट ग्रो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिसे कसावा टॉपिका बोलते हैं या फिर टोपिएका, ऐसा कुछ नाम है, और कसावा रूट्स जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है साबूदाना बनाने के लिए। तो टोपिएका प्लांट, इसका जो प्लांटेशन है वो कुछ हद तक हमारे जो गन्ना जैसे हम लगाते हैं सेम उसी तरह से किया जाता है। आजकल नर्सरी में भी प्रोड्यूस करते हैं, मगर अगर आप डायरेक्टली अगर कहीं करना चाहते हैं प्लांटेशन, तो इस तरह के आप उसके जो कटिंग्स हैं या जो उसकी स्टेम है उसको कट करके आप ज़मीन में गन्ने की तरह लगाएंगे तो हो जाएगा। ज़मीन के अंदर डाला जाता है ताकि जो इसके बड्स हैं, आई हैं, यहाँ से नए शूट्स बाहर आए। तो नॉर्मल प्रोसेस है, मिट्टी के अंदर इसको दबा दो, इसका जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। इसे इस तरह के बेड्स में भी लगाया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर बेड्स में खेती की जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पे स्लांट हाइट्स कम है। पानी का निकलना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी चाहे आपकी जैसे मर्जी हो, पानी नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसे ग्रो करने के लिए कम से कम 9 से 11 महीने का समय लगता है। तो 11 महीने के लिए आपको इसको, तो ये जंगली प्लांट है तो ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाई डेंसिटी में आप ग्रो कर सकते हो। बाकी फिर आप लगा के इंटरक्रॉप भी बीच में ले सकते हो इसके अंदर अगर कुछ आपको लेना है। तो इस तरह की फाइनल रूट्स हैं, ये रूट्स हमें यहाँ पे मिलती हैं जो ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से उसको 11 महीने के अंदर ग्रो हो जाता है। निकालने का सिस्टम हर एक का अलग है। आजकल हमारे यहाँ आलू जिस तरह निकाला जाता है या फिर शकरकंद निकालते हैं उस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर हर कंट्री में कुछ अलग अलग सिस्टम है उस तरह से निकालते हैं। कसावा रूट्स को हार्वेस्ट करने के बाद सबसे मेन ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इसको जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो स्किन होती है वो पॉइजनस होती है, वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसका स्किन पील करके जल्दी से जल्दी उसको अलग करना चाहिए, क्योंकि फिर वो इवेंचुअली अगर वो वहीं ज़्यादा टाइम तक रहा तो वो पूरा फ्रूट जो है वो पॉइजनस हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट में कि ये रूट से साबूदाना का जो सफ़र है वो किस तरह किया जाता है। तो ट्रक्स में भर के इसे लाया जाता है फैक्ट्री। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले तो इसकी जो भी मिट्टी, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होता है, तो मिट्टी वाला जितना भी पार्ट है उसे एक बार अच्छी तरह से मिट्टी निकाली जाती है, उसे वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद इस तरह आप देख सकते हैं, ये कन्वेयर है और पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। तो वॉश करने के बाद ये लेके जाते हैं अलग अलग बेंच में, और ये जैसे बेंच है यहाँ पे कटिंग प्रोसेस होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है। उसके बाद आता है पीलिंग का मशीन। पीलिंग में इसकी पूरा छिलका इसको अच्छी तरह से निकाल देते हैं और फिर वापस इसको वॉश करते हैं। आई इंस्पेक्शन भी होता है, जिसके अंदर कहीं पर अगर पीलिंग का कुछ रह जाता है तो वो निकालते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्रशिंग, क्योंकि इसके क्रश करके हमें इसका जूस बाहर निकालना है। तो इसमें इस तरह के कुछ मशीन्स हैं जहाँ पे इसको अच्छी तरह से क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद इसे 2-3 अलग अलग फिल्टर्स के थ्रू पास किया जाता है ताकि जितने भी फाइबर्स हैं वो अलग हो जाएं। अब जो ये फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स यूज़ होता है कैटल फील्ड और ऑर्गेनिक बहुत सारे मटेरियल होते हैं वहाँ पर वो डाला जाता है। खाद की तरह भी यूज़ किया जाता है, मोस्टली जो स्किन का पार्ट है वो खाद में यूज़ करते हैं और जो बाकी के जो फाइबर्स हैं वो गाय भैंसों को खिलाने के लिए या कैटल फील्ड तैयार करने के में होता है जाता है, मिल्क बोला जाता है। तो कसावा मिल्क जो है उसे सेटल करने के लिए रख देते हैं बड़े बड़े टैंक्स में, क्योंकि यहाँ पे उसका मेन प्रोसेस चालू होता है जिसे फर्मेंटेशन, या जैसे हमारे दही जैसे बनता है ना उस तरह का कुछ फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से उसका स्टार्च अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें है स्टार्च। तो स्टार्च जो है वो नीचे एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, पानी पूरा एक्सट्रैक्ट करने के बाद पानी को निकाल दिया जाता है और स्टार्च इस तरह के केक्स में उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो इस केक को आगे हम साबूदाना में प्रोसेस करेंगे। उसके लिए इस केक को सबसे पहले तो इसका पाउडर बनाया जाता है वापस से। पाउडर बनाने के बाद
इस जैसे हमने आपने अगर देखा होगा हमने कपूर वाला एक वीडियो किया था कि कैम्फर कैसे बनता है, उस तरह की कुछ मशीन होती हैं जिसमें रोलर्स होते हैं छोटे छोटे और इस पाउडर को प्रेस करके उसके बॉल्स बनाए जाते हैं। तो ये पूरा मैनुअल बॉल्स हैं। आपको ये कई लोगों को लगा होगा कि ये सीड्स होते हैं किसी पेड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल, तो नहीं है, मैंने इसे मशीन में डाल के इसको गोल बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से कंटेनर्स में वो लोग रखते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट काम आता है इसका बेकिंग का, बेकिंग नहीं बोल सकते एक्चुअली, इसको थोड़ा सा गर्म पैन के ऊपर सेक लेते हैं ताकि जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो मॉइस्चर निकल जाए और उसका जो साइज शेप है वो शेप इंटैक्ट रह जाए। उसके बाद आता है सन ड्राई या फिर ओपन ड्राई में बेकिंग या पैन में गर्म करने के बाद उसको इस तरह से लैंड में खाली छोड़ देते हैं ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए। मॉइस्चर निकलना बहुत ज़रूरी, नहीं तो फिर बाद में ये ख़राब हो जाएगा। निकलने के बाद इस तरह से यहाँ पे फिर इसको बाद में एक मेन प्रोसेस रह जाती है इसकी पॉलिशिंग, क्योंकि जो चीज़ दिखेगी नहीं बढ़िया वो बिकेगी नहीं, तो ये प्रिंसिपल है। इस वजह से ये एक पॉलिशिंग की मशीन है। उन बॉल्स को यहाँ पे लाया जाता है, इसको अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने से उसका रंग रूप बहुत अच्छे से निकल जाता है और ये पॉलिश किया हुआ साबूदाना अब रेडी है आपके किचन तक पहुँचने के लिए। सो ये था हमारा पूरा हिस्ट्री ब्रीफ, सब हमने पूरा आपको जितना हो सके जितना शॉर्ट हो सके उतने में बताने की कोशिश की। कुछ लोग को बोरिंग लगा होगा, कुछ लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो सबके अपने अपने फैक्ट्स होते हैं। तो ये था हाउ इट्स मेड साबूदाना, पूरा प्रोसेस आपको हमने बताया। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट में बताइए, इससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, क्योंकि मुझे ग्रेप्स का काम छोड़ के बाहर जाने में थोड़ा तो लगता है कि अलग एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं। बट अगर आप लोग को ऐसा अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो ज़रूर हम इसके ऊपर भी काम करते रहेंगे। और थैंक यू, हमारे 75,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, उसके लिए भी हमने एक बढ़िया सा एक बनाया है सेलिब्रेशन का, तो देखेंगे उसको भी अपलोड करेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। बाकी फिर ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। स्पाइस ट्रैवल होने वाला है, बहुत सी चीज़ें ऐसी प्लान्ड है, तो अगर वो आप देखना चाहते हो कंटिन्यूस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके फिर, बाय बाय।